हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हर न्यू व्लॉग, न्यू डे न्यू व्लॉग। तो आज हमारा दूसरा दिन है। तो गाइस, सुबह सुबह आ गई है हमारी गाड़ी और हम लोग जा रहे हैं हैवलॉक। तो भी जाएंगे क्रूज़ पे और फिर क्रूज से जाएंगे हैवलॉक। मैं हो गया समय से रेडी और मोहतरमा हमेशा समय से पीछे, हम समय के साथ चलते हैं, मोहतरमा समय से पीछे चलते हैं। कोई बात नहीं, हमें मोहतरमा के साथ ही चलना पड़ेगा। चेहरे पे खिलती मुस्कान के साथ लाइन में बढ़ते हुए, क्योंकि अब हमारी लाइन चल रही है। हाँ, लाइन में बढ़ते हुए, जब आप लाइन में लगे रहते हो फिर आपकी लाइन बढ़ती है। ओए होए, नज़ारा इतना प्यारा है यहाँ का, नज़ारा इतना प्यारा कि मतलब पूछिए मत। ओए होए, फाइनली वी हैव रीच्ड एट हैवलॉक। लो जी, यहाँ क्या है, यहाँ मजा है। मेक माई ट्रिप वालों ने अपना पूरा लगा रखा है, एकदम टकाटक। तो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हैवलॉक में। स्वागत हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ साथ ये लोग भी आए घूमने के लिए। ओहो, ये देखो टापू में आ गए, टापू में आए हैं बापू। पहुंच चुके हैं जी हैवलॉक और ये देखिए हैवलॉक का नजारा, स्वराज द्वीप। ओह वाओ, क्यूटिच। तो साथियों, पहुंच गए हम कॉटेज में, कुटिया हमारी। पहले के ज़माने में होता था कि कुटिया में लोग नहीं रहते थे जी, छोटे छोटे से कुटिया में पहुंच गए, अपनी छोटी सी और मोटी सी कुटिया में। और ये देखिए, ये बेकार है, कुटिया से व्यू, छोटी सी कुटिया। तो दोस्तों, सुबह सुबह पोर्ट प्लेयर से निकले और पोर्ट प्लेयर से निकलने के बाद वाया क्रूज हम पहुंचे हैं हैवलॉक। और हैवलॉक में अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं कौन सा, राधा कृष्णा बीच, राधा नगर बीच है। हमें पता कुछ है नहीं, इटिनरी क्या है, कहाँ जाना है। देखो बेबी, मैं गाइड साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है। एकदम टाइम से तैयार हुआ क्योंकि मैंने तो कपड़े चेंज किए नहीं, मोहतरमा ने किए हैं कपड़े चेंज। तो समय क्यों ने लगाया होगा, समय लगाया, समय लगाने का क्या है, समय इतने भी नहीं लगाया है। यहाँ तो कॉम्पोनेंट मिल रहा है, 30 रुपए का, तो फिर उतनी देर मैंने चेंज कर लिया, तो अब इसमें 70 रुपए का है, तो यहाँ पर कॉम्पोनेंट मिल रहा है 30 रुपए का। अगर आप दिल्ली में पी रहे हैं 70 रुपए का, यहाँ आके 1 लाख खर्चा कर दिया, 30 रुपए पी लीजिए। 40 रुपए अगर आप बचाने हैं तो आप खंडवा आइए, यहाँ पे आपको 30 रुपए का मिलेगा। नहीं, या फिर अभी इसको ऑर्डर दे दीजिए, लेके आइए खंडवा भी दिया। आपको अगर 40 रुपए बचाने हैं तो आप आइए वहाँ से, फिर पोर्टर से आइएगा हैवलॉक,
होटल में मिलते हैं 40 रुपये के, वहाँ भी 10 रुपये का नुकसान है। फिर आप आइए हेवलॉक, 10 रुपये आपकी यहाँ बची, यहाँ 30 रुपये में कोकोनट, मलाई वाले कोकोनट, वो भी मलाई वाले कोकोनट एकदम फ्रेश। तो हम शांति नगर वाले बीच पे पहुंच चुके हैं। शांति नगर ये राधा नगर है। अच्छा राधा नगर, अरे मतलब शांति नगर मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शांति ज्यादा है ना, ये थोड़ा सा देखो राधा नगर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, उन्होंने ये बोला है। हाँ। बहुत रशी है, बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला तुम्हें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं राधा नगर बीच और पीछे ओए होए 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 क्या एकदम फ्रेश पानी है यहाँ पे और क्या नज़ारे हैं। ओए मेरी पैंट गीली हो गई, पैंट गीली हो गई मेरी, वेव्स आ रही एकदम। तो हम लोग टहलते टहलते अभी टापू के एक कोने से दूसरे कोने पे आ गए हैं हम लोग, आइलैंड से आइलैंड उधर उधर हम बीच पे उस जगह पे जहाँ पे वो पेड़े हैं उस जगह से हम चले थे और टहलते टहलते तकरीबन कितना आधा पौना घंटा हो गया होगा, पौने घंटे 45 मिनट्स हमने वॉकिंग करी और हम आइलैंड के एक कोने से दूसरे कोने पे बीच के पहुँच गए हैं। ये देखिए उस जगह से उस रॉक के पास से हम जाके वहाँ से हमने यू टर्न लिया है और हमें जाना है बिल्कुल जहाँ पे वो एंड, वहाँ पे वो बिल्कुल छोटे छोटे से लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जब हम लोग जा रहे थे तो मियाँ भी दोनों सोई हुई थी, अगल बगल कोई रेस्टोरेंट या कुछ है भी नहीं, जब आए हैं तो देख रहे हैं बीवी गायब है, दोनों सोते सोते कहीं बीवी वह तो नहीं गई है, सो के उठेगा देखिएगा कहाँ गई बीवी, अरे वो तो निकल ली है, उसके बगल में कुत्ता सोया, वो कुत्ता बोलेगा साले सो का रहा था बीवी तो वहाँ पहुँच चुकी है। तो हम हो गए हैं रेडी, तो बीच पे घूम घाम के बाल मेरे हो गए हैं पूरे ख़राब, तो बीच पे घूम घाम के अब चले हैं हम अपने होटल, होटल जाना कहीं और जाना है, चलो जी चलो। तो गाड़ी आ गई है हमारी टाटा सुमो, वीडियो में तो काटना पड़ेगा, पहली गाड़ी आ गई हमारी, बैठो बैठो। आज के प्रोग्राम में हो गया हमारा घूमना फिरना राधा नगर बीच, क्या हुआ इतना मुंह को लगे गए बैठी हो ना, नहाने को नहीं मिला है इसलिए इसका मुंह बना हुआ है, मैंने बोला था कि नहा देती, सुबह सुबह होटल में नहा लोगी तो फिर कैसे होगा, इसीलिए होटल में नहीं नहाने का, जब बीच पे जाने का तो बीच में नहाने का, इसे पागल वाला क्या होता है नहाना है तो नहाना, देखो तो फिर मैं होटल में नहीं नहाया, तुम पढ़ते तो लिखे बता दे सकते मैं होटल में नहीं मगर की सारी चीज़ बतानी चाहिए बेटी। बीच से घूम घाम के पहुंच गए जी राधा नगर बीच से घूम के अब अपने रूम में, अब आराम से स्टे किया जाएगा। तो गाइस शाम के हो गए हैं 6:30, हम लोग वहां से आए बीच से और उसके आने के बाद सो गए फिर हम, और अभी मैं सो के उठ के अभी हम जस्ट निकले हैं और ये देखिए हमारे कॉटेज के बाहर से निकलते ही रास्ता, कॉटेज से जस्ट बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे सामने इन्होंने बीच बनाया हुआ है, होटल बनाया हुआ नहीं है, वो नेचुरल बीच है, मतलब बीच तो नेचुरल है, इन्होंने अपना अरेंजमेंट करके थोड़ा सा साज सजावट कर दी, सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे काफ़ी अच्छा, पूरा मस्त सजाया हुआ है इन लोगों ने सामने बीच। तो चलिए जी साथियों हो गया है हमारा इवनिंग वॉक, बीच वॉक सब कुछ हो गई है हमारी, अब चले हैं डिनर करने के लिए। डिनर का अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया होगा ना, इट्स सेवन, डिनर का अरेंजमेंट हां वो लोग करते हैं ना वहां पे बुफे वाले,
डिनर का अरेंजमेंट हो चुका होगा। ये हमारा रूम है, ये बीच से निकल के इधर आगे जाना है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम करेंगे डिनर। वो डॉगी था यार। हाँ तो डॉगी था तो क्या दिक्कत है, देखो पता है इन लोगों ने फिश मंगाई है, इतनी गंदी स्मेल आती है यहाँ के फिशेज में। यार फ्रेश होती है ना प्रॉपर एकदम। और पता है मेन यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ना ये साउथ वाला टच है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया जाता है। कोकोनट ऑयल से डिफरेंट है यार, फिश से आके बहुत ज्यादा स्मेल। वो देखो फिश इतनी स्मेल थी फिश की, कुत्ता भागा 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 आया आ गया वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे ना उन्होंने मंगाई होगी फ्राइड फिश, तो पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा स्मेल थोड़ी होनी चाहिए यार। तो फाइनली साथियों हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में, खाना पीना एकदम खा के, और खाना एकदम टेस्टी था यहाँ का यार, मतलब मजा आ गया। बिल्कुल घर जैसा खाना, घर जैसा, उन्होंने बहुत सादा खाना बनाया था घर जैसा, दाल चावल फिश करी, मतलब तंदूरी चिकन, तो भाई साहब दिल्ली वाली याद आ गई एकदम दिल्ली वाली। तो साथियों आपने देखा ही वीडियो में, सुबह से चले पोर्ट ब्लेयर से, एवलॉग का टूर हो गया। अब कल भी हमारा स्टे है हैवलॉक में, तो कल आपको हैवलॉक में एलिफेंटा केव जाने वाले ना बेबी, कल एलिफेंटा केव का टूर है, तो कल एलिफेंट बीच है जो भी है नाम, तो एलिफेंट बीच पे कल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय।